factors that influence economic productivity or efficiency of our people? बोलता है लोगों की अगर आर्थिक आमदनी बढ़ानी है या efficiency बढ़ानी है तो कैसे? तो सबसे पहले तो भैया उनको अच्छा भोजन मिलना चाहिए, दूसरा उनको इलाज की सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको हेल्थ फैसिलिटीज हेल्थ सर्विसेज मिलने चाहिए, बच्चा है तो उसका टीका होना चाहिए, बूढ़े हैं तो उसका पूरा केयर होना चाहिए। यूज ऑफ न्यू टेक्निक, जो कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रहा है वो प्रोडक्शन में यूज होना चाहिए। वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग, लोगों को रोजगार पर व्यवसाय उन्मुखी शिक्षा मिलनी चाहिए। एजुकेशनल फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, लड़का लड़की बेटा बेटी कोई भी है सबको पढ़ने का अधिकार है, उसके लिए सरकार ने भी बहुत कुछ किया है, निःशुल्क शिक्षा अभियान चलाया है कि 6 से 14 साल तक के बच्चे को फ्री में पढ़ाएंगे, उसके बाद लड़कियों के लिए भी बहुत सारे स्कीम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और भी बहुत तरह की योजनाएं सरकार चलाती है, लाडली योजना, फ्री में साइकिल ले लो, लैपटॉप ले लो, स्कॉलरशिप ले लो, अच्छा करो तो और प्रमोट कर देंगे, आरक्षण ले लो, सब कुछ है तो सबको मिलना चाहिए, और ये सब जब होगा तो लोग अच्छे से पढ़ेंगे। फिर क्या चाहिए? कैपिटल एंटरप्राइज, पूंजी होना चाहिए तभी तो बिजनेस लगेगा, और एंटरप्राइज उद्यम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होना चाहिए। यूज ऑफ सोफिस्टिकेटेड मशीन एंड टूल, जो उत्तम तकनीक के मशीन है या टूल है उनका प्रयोग होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात क्या, डिग्निटी ऑफ लेबर, जो आपके यहां काम करने के लिए आ रहा है भले उसका पे स्केल कुछ भी हो, उसकी सैलरी कुछ भी हो, आप उसकी इज्जत पूरी कीजिए, आप उसको रेस्पेक्ट पूरा दीजिए, वो आपको काम पूरा करके देगा, और उससे क्या होगा कि लोगों के मन में कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड बना रहेगा, फेवरेबल एटीट्यूड बना रहेगा और काम अच्छे से होगा।